दोस्तों, राव जोधा जी के सुपुत्र बीकाजी द्वारा स्थापित बीकानेर ने इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ के किले, मंदिर तथा लालगढ़ महल विशेष रूप से देखने योग्य है। इस शहर के मध्य में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर देश भर में प्रसिद्ध है। अन्य मंदिरों में रत्ना बिहारी जी एवं शिव को समर्पित सेवाबाड़ी में मंदिर भक्तों को आकर्षित करते है। बीकानेर से 30 मील की दूरी पर स्थित कोलाजी नामक एक धार्मिक स्थल है जो पुष्कर के नमूने पर बना हुआ है। अपने धोनीनाथ के मंदिर तथा कपिल मुनि आश्रम के कारण विख्यात है। नमस्कार दोस्तों, ट्रेंड ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में राजस्थान के खूबसूरत शहर बीकानेर के बारे में जानने वाले, तब तक आप हमारे इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, बीकानेर से 20 मील दूर देशनोक में स्थित करनी माता का मंदिर संभवतः संसार में अपने ढंग का एक अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में हजारों चूहे बिना किसी भय के विचरण करते, देखा जाए तो एक चमत्कार ही है। आपको बताना चाहेंगे, इस मंदिर में चूहों की इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी आज तक यहाँ कोई महामारी नहीं फैली है। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के शासकों ने अपनी कुल देवी करनी माता के आशीर्वाद से किया। इसे शक्ति का अवतार भी माना जाता है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे इस मंदिर की अद्भुत बात, इस मंदिर में लगभग 2000 चूहे जिन्हें कावास कहा जाता है, और इस मंदिर में वास करते ये चूहे मंदिर की सीमा के बाहर के चूहों के साथ नहीं मिलते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो बना के लेके आ सके। दोस्तों, राजस्थान के उत्तर में बसा बीकानेर रेगिस्तान का शहर है। इसे जोधा सिंह के पुत्र राव बीकाजी ने बसाया था। प्राचीन समय में यह शहर व्यापार का मुख्य केंद्र था जो अफ्रीका तथा पश्चिम एशिया से निकलने वाला कारवां के मार्ग में पड़ता था। आपको बताना चाहेंगे, बीकानेर का पुराना नाम जंगल देश था। यहाँ गुर्जर, परियारा, चौहान तथा जैसलमेर के बाटी जातियाँ निवास करती थी। लाल तथा पीले रंग के बालुई पत्थरों से निर्मित इस शहर की अनेक इमारतें राजस्थानी वास्तुकला तथा शिल्पकला की समृद्धि का प्रतीक है। इसी के चलते हुए दोस्तों, बीकानेर ऊँटों का सफर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। देश विदेश सैलानी यहाँ दूर दूर से ऊँटों की सवारी का आनंद लेने आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बताना चाहेंगे बीकानेर की भुजिया विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये भुजिया नमकीन का जन्म 200 से 250 वर्ष पूर्व बीकानेर में हुआ था और यह महाराजा डूंगर सिंह के समय में विख्यात हुआ था। इस भुजिया को बनाने की कलाकारी बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के परिवार के पास 10-12 पीढ़ियों से चली आ रही है। इसके चलते हुए बीकानेरी भुजिया पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों, बीकानेर घूमने के मामले में राजस्थान के सबसे अच्छे शहरों में से एक है। यहाँ पर घूमने के लिए जूनागढ़ का किला, यह किला सम्राट अकबर के बहादुर सेनापति राजा राज सिंह द्वारा 1588 से 1593 की अवधि में बनाए गए थे। यह किला अपनी विशालता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा बीकानेर में घूमने के लिए लालगढ़ पैलेस, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम और गार्डन तथा पार्क। इसके अलावा बीकानेर खाने के स्वाद में अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ पर खाने के स्वाद में मावा कचौरी, बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी मिठाइयाँ, जलेबी, बीकानेरी सोन पपड़ी और लस्सी अन्य स्वादिष्ट है। यदि दोस्तों आप बीकानेर जाए तो खाने का स्वाद जरूर ले। इसके अलावा दोस्तों, बीकानेर का प्राचीन मार्केट अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ पर जूते, कपड़े, चमड़े की वस्तुएं, हैंडीक्राफ्ट वस्तुएं, रजाइयाँ आदि आसानी से खरीद सकते हो। दोस्तों, आपको बीकानेर के बारे में कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो बना के लेके आ सके। चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।